बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज एलिजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लोधरा। आई एम मिसेस शाजिया असगर टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, टेंसेस हमने स्टार्ट किए हैं, प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्ट का फर्स्ट टेंस स्टार्ट किया था, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। हमने उसकी पहचान पढ़ी, हमने उसकी तारीफ पढ़ी, इंग्लिश फिक्रे और उर्दू फिक्रे की पहचान पढ़ी, इस्तेमालात बताए कहाँ कहाँ होते हैं और उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। आज हम पास्ट इंडेफिनेट के टेंस के ही ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर बुक में दी गई है और जिसमें से आपका पेपर बनने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले हम एक नज़र फिर से देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अगर फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लिखोगे, और यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये लगाएं, कुछ भी नहीं लगाना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विद नो हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगेगा, और ये डिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के साथ फिक्स है। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और साइन फुल स्टॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल में सेकंड है, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में आप एक ही बार बार आप एक सेंटेंस में दो मरतबा तीन मरतबा वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और यहाँ डिड नॉट आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होगा। दो चीजें हैं पास्ट इंडेफिनेट की, पहचान रखिएगा, सिर्फ वो वाहिद टेंस है जिसके सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज किसी और टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। नंबर टू, डिड वो हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर है 21। डियर स्टूडेंट्स, तुलबा ने नारे लगाए। हमने पहचान में पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनेट फिक्रे के आखिर में अलीफ छोटी ये बड़ी ये ता था ते थे ती थी आएगा, तो ये लगाए बड़ी ये है पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। उर्दू की पहचान मुकम्मल हो गई। तुलबा क्या है? सब्जेक्ट है, नारे लगाना उनका वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद नहीं है। द स्टूडेंट्स शाउटेड स्लोगन, तुलबा ने नारे लगाए फुल स्टॉप। क्लर्कों ने हड़ताल की छोटी ये पास्ट इंडेफिनेट के फिक्रे की पहचान आखिर में छोटी ये भी है। द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक, लोगों ने बाग में जलसा किया अलिफ, ये भी पास्ट इंडेफिनेट की है। पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन, शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट वर्ब की वर्ब गो वेंट गोन सेकंड फॉर्म, हेल्ड सेकंड फॉर्म। मजदूरों ने जुलूस निकाला। द लेबरर्स केव आउट इन अ प्रोटेस्ट मार्च, मजदूरों ने जुलूस निकाला प्रोटेस्ट मार्च। द लेबरर्स केम आउट इन अ प्रोटेस्ट मार्च, हमने आपका इंतजार किया, वी वेटेड फॉर यू, उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। दे एक्टेड अपॉन अवर एडवाइस, दे एक्टेड अपॉन अवर एडवाइस, मुझे आपका खत मिला, आई रिसीव योर लेटर। लेटर्स आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो और पढ़ रहे भी होंगे, तो अक्सर आई रिसीव योर काइंड लेटर यस्टरडे, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई रिसीव योर लेटर। उस्ताद ने तालिबे इल्म को सजा दी। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, हेडमास्टर ने शरारती लड़के को जुर्माना किया, ना करो ना शरारते। द हेडमास्टर फाइंड द नॉटी बॉय, मजदूरों ने हड़ताल खत्म कर दी। द लेबरर्स एंडेड द स्ट्राइक, एंडेड भी होता है, कॉल्ड ऑफ भी होता है, कुछ भी आप लगा सकते हो। द लेबरर्स एंडेड द स्ट्राइक, कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। सेंटेंस नंबर 11, ने एक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। द पाइस वुमेन ब्रॉट अप द ऑर्फन चाइल्ड, यतीम बच्चा ऑर्फन चाइल्ड। नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 21, सेंटेंस नंबर 12, आपने मेरे भाई की देखभाल की। यू लुक्ड आफ्टर माय ब्रदर,
डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, ऑपरेट अपॉन, जिसका ऑपरेशन किया जाए, अपॉन की प्रेपोजिशन साथ लगती है, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, नंबर 14 सेंटेंस, मुसाफरों में जंगल में आग लगाई, द पैसेंजर सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर, सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनेट के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। एक्सरसाइज नंबर 22, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिड नॉट सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होता है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की, फिक्रे के आखिर में छोटी ये अलीफ, बड़ी ये ता था, ते थी, ती था, ये उसकी पहचान है। कबूल नहीं की नेगेटिविटी है, सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। एक्सरसाइज नंबर 22, सेंटेंस नंबर 1, उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं की, दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, क्या तुम, सेंटेंस नंबर 2, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इंटरोगेटिव आ गया, जो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड योर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, डिड योर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, कमरे में झाड़ू किसने दिया आपको, मैंने तो नहीं दिया, मुझे क्या पता। Who swept the room? किसने कमरे में झाड़ू दिया, यहाँ डिड नहीं आया है, सिंपल वर्ड ऑफ इंटरोगेशन और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया, हाउ डिड दे रिसीव यू, हाउ डिड दे वेलकम यू, हाउ डिड दे रिसीव यू। सेंटेंस नंबर 5, क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया, डिड योर फ्रेंड्स लाइक योर गेम। नंबर 6, उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त नहीं की, he didn't sell all his property, didn't sell all his property। बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए, how did the cook cook the rice। sentence number 8, मैंने अपने वालिद को हवाई डाक से खत नहीं भेजा, I didn't send a letter to my father by airmail। airmail compound word है, आखिर में hyphen आएगा तो उसमें डैश आएगा। क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील नहीं किया, डिड द ऑफिसर नॉट ट्रांसफर हिज पीएन। सेंटेंस नंबर 10, मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई, व्हाई डिड मजीद, मजीद का एम कैपिटल आएगा, प्रॉपर नाउन है, व्हाई डिड मजीद स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं फजूल खर्च करना, जरूरत से जायज खर्च करना, अलल्ले तलल्ले करना, बेजा खर्च करना, दोनों हाथों से दौलत लाना, व्हाई डिड मजीद स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, डिड मजिस्ट्रेट कैच हिम रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है जुर्म में मुलव्वज होते हुए पकड़ा जाना। हवाई जहाज अड्डे पर कब उतरा, व्हेन डिड द प्लेन, व्हेन डिड द प्लेन लैंड एट एयरपोर्ट, क्या तुमने परवाज से लुत्फ उठाया, डिड यू एंजॉय द फ्लाइट। रेलगाड़ी, मालगाड़ी मुसाफर गाड़ी से कहाँ टकराई, वेयर डिड द गुड्स ट्रेन कोलाइड विद द पैसेंजर ट्रेन। गुड्स ट्रेन जो चीजें माल हमारी बुकिंग वगैरह लेके जाते हैं, और पैसेंजर ट्रेन जो मुसाफरों को लेकर जाती है, वेयर डिड द गुड्स ट्रेन कोलाइड विद द पैसेंजर ट्रेन, तुमने मुझे फैसले से आगाह नहीं किया, यू डिडंट इन्फॉर्म मी ऑफ द डिसीजन। डियर स्टूडेंट, इस बोर्ड का एक क्लोज व्यू दिया जा रहा है, आप इसको यहाँ पॉज करके सेंटेंसेस को दोबारा से देख के इसको लिख सकते हो। ये था एक्सरसाइज नंबर 21 और 22, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपने इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने फोल्डर पे लिखना है, इनको अच्छे से याद करना है, और आपने इनके अलावा भी सेंटेंसेस की इसी बेस पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से ट्रांसलेशन करके अच्छे से मार्क्स दे सको।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।